बैक टू वर्ड्स कसानी, मतलब टी एस्टेट देखेंगे, खाएंगे पियेंगे और फिर वहाँ से वापस कहीं पे। ओहो भपका भाई साहब भपका। यहाँ रुके हैं लंच के लिए, वापस कसानी की तरफ जा रहे हैं। तो 4 किलोमीटर पहले कसानी से टी एस्टेट से, और ये नीचे मुझे लगा था मुन्नार जैसे होंगे, लेकिन ये नीचे जो दिख रहे हैं यही टी एस्टेट है। छोटे छोटे पौधे आ जाएंगे सामने की तरफ भी है, ऊपर अलग जाके वो भी देखेंगे कहाँ। अगर मतलब मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, ये कुछ और निकला। लंच करें और फिर देखें यार, अभी तो ये भी छोड़ने के वापस कसानी जाएंगे या फिर कहीं आगे और कहीं हो जाएंगे, वो चर्चा अब लंच के बात करेंगे। अभी ये समझ लें पहले यहाँ की चाय समझ रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना है। ये टी एस्टेट है, यहाँ के छोटे छोटे प्लांट्स हैं दूर दूर, जैसे टी प्लांटेशन देखने के में आ जाता है वैसे नहीं है। और अब वापस चले भाई। तो कवर हो ही गया होगा वो ना, प्लेन प्लेन भी चल रहा है तो फिर स्पीड भी सही आ रही है। तो क्या तेज हवा चल रही है, बट पिकनिक चल रहा है। ऊपर गाड़ी खड़ी कर रखी थी पहाड़ पे, ब्रदर्स ढाबा ददास।
यहाँ वैसे भी आ गए थे मार्केट में, पीडी वाई थी। अच्छा कुत्ते को उठा ले गया था घर में से। कॉर्बेट लगाई तो हुआ है, तो जानवरों को भी तो ऑफ बीट चाहिए, कब तक नैनीताल नैनीताल जाएंगे। इस बार दूसरी तरफ चलते भाई, ये नैनीताल आने के थे। हाँ क्या होंगे कब तो दाल कर के दाल को यूपी 35 की बहुत गड़े दिखे स्ट्रक पे उधर भी इधर भी आगे बढ़। ये आ गए रानी खेत में एंट्री, इन्होंने भाई साहब ने अभी ऑर्डर दे दिया। प्रेजेंटेड बाय लेफ्ट जनरल ओम प्रकाश टीवीएसएम करना तो कमांडर नागर जी। विंड भाई पे पानी चला गया, खांसो जोर जोर से खांसो, बाहर निकालो उसे। क्या पानी पी होगा? हाँ। हवा के पाइप में पानी दे दिया उन्होंने। तो बढ़िया शांत शांत सुशील सा एरिया लग रहा है, कैंट एरिया है। रानी खेत सदर बाजार पर टूरिस्ट रेस्टोर वगैरह 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 लॉट ऑफ थिंग टू डू। पर तो होटल ढूंढना पड़ेगा, आधे बोलेंगे आधे दिन ही रुकना है। मैं होटल तुम अच्छी कर लेता है यार। देखो मैं जाके 6000 वाले को हाँ फिर नहीं तो मैं ही फिर कोई जानकी मिल गई तो फिर हम बात नहीं कर पाएंगे। ये आ गया रानीखेत, ये रानीखेत का बस स्टैंड है, मार्केट है, और अभी हमें पता नहीं यहाँ कहाँ जाना है। मार्केट में भी एक होटल ढूंढेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है आज के लिए। ये मेन मार्केट है, सुंदर वही था, बहुत सुंदर है वो, इसका ये कचर कचर के मुकाबले ठीक है। लेकिन अब तो अपना होटल भी यही है, यही कहीं होगा ढूंढ लेना कहीं रह जाए पीछे। बस अड्डे से जस्ट पहले था ना होटल अपना, कहीं कहीं से चढ़ेगा रास्ता, कोई कहीं से चढ़ेगा अपना ध्यान। ये तो देख ही रहते हम। हाँ तो चलो गृह प्रवेश करो। तो सबसे बढ़िया अपने को चाहिए बस बालकनी। ये है रानीखेत गांव, एक्चुअली सब छत पे आके खड़े हैं इस टाइम पे, है गर्मी की आदत नहीं है ना उनको। हाँ, अब छत पे आके खड़े हैं, सही बात है। सारे पहाड़ों में यही बोल रहे कि इतनी गर्मी कभी नहीं देखी, अब देखो ये सब अपनी छतों पे। ये एक्चुअल रानीखेत है, ये पीछे की दुकान के पीछे मॉल चल रहा है, हम यहाँ से पीछे से निकल के आए। क्या? हाँ वही वही ना, ये जगह अच्छा, वो जो आर्मी एरिया में था दैट इज रानीखेत असली। और ये हम वापस आ गए रानीखेत मार्केट में, ये रानीखेत मेन मार्केट जहाँ सब होटल्स होटल्स हैं। फिर मॉल रोड से घूमते घूमते ये दिखाई दिया मसाला गली शिव मंदिर, देख के आते हैं क्या है। अभी टहली तो रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास कौन सा काम है।
तो बहुत बड़ा होटल बना हुआ है बाहर से, तो अजीब सा लग रहा मून। हाँ मून होटल, हमने तो वो फेस देखा था ना बाहर की दुकान के ऊपर बना हुआ है। बढ़िया है। अच्छा ये मसाले मिलते हैं, इसलिए मसाला गली है। ये भी सस्ता हो जाएगा। ये है लास्ट दूसरा कोना उसका, पहले कोने पे तो हमारा होटल है, दूसरा कोना है सुभाष चौक, यहाँ पे भी दलाउजी की तरह सुभाष चौक और गांधी चौक। यहाँ पे पिंक टॉयलेट है। मेरा ना बैठने का पार्क बना तो रखा है, पार्क शुरू होती के बाद। अरे मच्छर बहुत है, पौधों में बैठोगे ना मच्छर खा जाएंगे। लोकल्स का ही है मार्केट ज़्यादा, टूरिस्ट वाला कुछ है ही नहीं है। अरे मॉल से बाहर का भी, मार्केट से बाहर का भी एरिया थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं क्या है ऊपर। जहाँ हमने रास्ता पूछा था ना मॉल का, जो वो लोग बैठे हुए थे, वो वाला चौक है ऊपर शायद।